की खबर की ओर। यूपी के जालौन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां नदियों का जल स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित होने वाले 158 गांवों में 27 बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं। साथ ही आपदा से निपटने के लिए मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। साथ ही सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डीएम चांदनी सिंह ने बताया कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन लगातार नदियों के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। में देखिए कुल 158 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं या प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है और यहां पे 27 बाढ़ चौकियां भी तैयार कर ली गई हैं। जल स्तर बढ़ता है तो हमारी सारी तैयारियां उसके लिए कर ली गई हैं, जिसमें मेडिकल टीमों का गठन कर लिया गया है। वहाँ पर जो भी गाँव पड़ते हैं घाट पर जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है, वहाँ पे हमने आपातकालीन व्यवस्था भी कर ली है, जैसे इमरजेंसी लाइट होती है या फिर बैटरी होती है। इसके अलावा गोताखोरों की सूची और जो हमारी नाव है उसका प्रबंध भी हमारे द्वारा कर लिया गया है। 158 ऐसे गांव हैं और सभी गांव में हमने अपनी टीमें भेज के उनका मौखिक स्थलीय निरीक्षण कर लिया है और फिलहाल अभी खतरे की कोई ऐसी संभावना उत्पन्न नहीं हो रही है, पर जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और हमारी पूरी तैयारी इसमें अच्छे से दुरुस्त है।